आप घर से अपने घर से यहाँ पीस होम तक कैसे हैं और मैं सिस्टर को सलाम करता हूँ कि जिन्होंने इस माँ को अपने पास रखा साहिल मैं घर की तरह रहती हूँ सारे व्याकरण के हरे माँ नहीं वसन देती मैं मैं ठीक है खाना पीना हर चीज़ मिलती पी खुदा ना कारोबार होता है दारा होता है पुलावे तो कामयाबी होना नाजरीन माँ तुझे सलाम ये जो लाइन है ये वाकई जिसने लिखी है कि माँ भी एक जगह पर रह रही है फिर भी कह रही मुसीबत तो को मैं रहुत सलाम, सलाम मेज़बान साजा गौरी आप देख रहे हैं आप साथ ही हाथ पढ़ाना नाजन ये प्रोग्राम हमारा जो है हमारे दक्षिण के प्लेटफार्म पर चलता है और हम ये प्रोग्राम उन लोगों के साथ करते हैं जो किसी ना किसी तरीके से अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं और उनके साथ को फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो या कोई ऐसे हो जिनको हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों की हेल्प की ज़रूरत हो इसलिए हम वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर उन लोगों के साथ प्रोग्राम करते हैं हमारे साथ रा किया गया कि आप हमारे यहाँ पर पीस होम में आएँ और हम जो करें या काम उसको देखें और लोगों तक पहुँचाएँ मैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ पीस होम के अंदर और जब इस वक्त मैं दोपहर के टाइम पे आया तो यहाँ पर खाना चल रहा था तो मैंने कहा मैं भी अपने ये जो लोग हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के जिनमें बुज़ुर्ग भी हैं और एक दोस्त भी बैठे हुए हैं और मैंने कहा चले इनके साथ बैठ के मैं खाना भी खाता हूँ और सास सस्ट्री भी बैठी हुई हैं जो इस पीस होम को चला रही हैं और ये सुनकर बड़ा दुख होता है कि हमारे घर के जो बुज़ुर्ग हैं जब वो पूरी फैमिली को पालते हैं चाहे दस बच्चे हों चाहे पाँच हों चाहे आठ हों तो वही लोग उन बच्चों को पालते हैं और जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो उनको पालना मुश्किल हो जाता है इसी मुश्किल को हल करने के लिए ये सिस्टर जो हैं ये सामने आई हैं और इनका ख्वाब था बचपन से ही कि मैं ऐसा काम करूं जिससे मेरी कौम के लोगों का फ़ायदा हो मैं सब पीस हाउ में बैठा हूं और मैं बाकी की डिटेल की बात जो है सिस्टर जी के साथ बैठकर प्रोग्राम में करूंगा और इनसे कि किस तरह ये अपने जो है ख्वाब को पूरा करने के लिए अपने सफ़र को आगाज़ को किस तरह शुरू किया और तो किस तरह ये काम कर रही हैं मेरे साथ कुछ लोग ही बैठे हैं जो इस वक्त यहाँ पर पीस होम में रह रहे हैं साथ एक भाई हैं और साथ दो जो हमारी बुज़ुर्ग माएँ हैं वो बैठी हैं हम इनसे कोशिश करते हैं कुछ पूछने की कि ये किस तरह इस पीस होम में आई मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ बोल सकेंगी उम्मीद तो नहीं है क्योंकि माएँ जो होती हैं वो अपने बच्चों का ऐब ही छुपाती हैं चाहे वो कोई भी हो और माँ का साया घर पर रहना चाहिए तो भाई सबसे पहले आप ये बताइए कि आप किस तरह पीस होम के अंदर हैं मैं भाई इधर आया था किसी ने मुझे भेजा था है। तो मेरे पास रहने की जगह नहीं थी बिल्कुल तो मेरा दोस्त था गांव में उसकी इधर खाना रहती है तो उसने मुझे बोला था कि इधर ना सिस्टरों के अदारे हैं तो आप मजबूर भी हो तो आपको शायद वो तर्स खा के रख लें तो मैं फिर इधर आया हूँ तो इन्होंने इनसे मेरी बात हुई है तो इन्होंने मुझे भी कोई किसी किस्म की नहीं पूछा कि क्या जमानत <coughs> वगैरह की भी बात नहीं की तो इन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया तो आपके माँ बाप जिंदा है नहीं माँ बाप जिंदा नहीं है बहन भाइयों ने घर से कह दिया कि हमने यहाँ पे रखना ये आप तो फिर वो मैंने मुनासिब नहीं समझा उनके साथ सारे बहन भाई जी सब शादीशुदा कितने बहन भाई, भाई आप चार बहन है चार भाई हैं इतना बड़ा खानदान होने के बावजूद आप अकेले को वो बर्दाश्त नहीं कर सके घर के मर्जी है उनकी क्या कह सकते हैं प्रॉपर्टी आपकी नहीं नह कौन से शहर से शाहकोट तो अभी यहाँ पर रह रहे हैं आप तो किसी भाई ने बहन ने रब्ता नहीं किया कहाँ पर है मेरा भाई नहीं करते कभी कभी मैं खुद ही नहीं करता क्योंकि मैं चाहते नहीं हूँ खुद इतना करना ये मजदूरी कैसे हुई पोलियो था हुआ जी, ये दो साल का था तो ये बड़ा बुखार जो है वो हुआ था उसकी वजह से वो हवा लगी टांग को बस तो सिस्टर जो खाना वगैरह यहाँ पे बनाती हैं सुबह तीन टाइम का तो वो अच्छे तरीके से मिल रहा है जी बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल रहा है किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है खाने की पीने की किसी किस्म की भी नहीं है जूती कपड़ा लेके देते हैं और किसी कम्युनिटी को कोई को, को मैसेज देना चाह रहे हैं कि कोई किस तरीके से आपकी हेल्प हो सके पैसों की शक्ल में या कपड़ों की शक्ल में या खाने की राशन की शक्ल में हाँ मैं अपने सब क्रिश्चन लोगों भाइयों से यह अपील करूँगा कि ये अदारे की जितनी भी बढ़ चढ़ कर मदद कर सकते हैं वो करें ताकि इस अदारे को और बढ़ाया जाए और और लोगों के लिए भी ये से बरकत अदारा बने जिन लोगों को पास ही रहने की जगह नहीं है वो भी इधर आ कर रहें तो जितनी भी मैं अपने बहन भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आप जितनी भी मदद खाने के तौर पे कर सकते हैं राशन के तौर पे कपड़ों के तौर पे जूतियों के तौर पे जो भी आपकी आपके पास तफीक है वो ज़रूर इस अदारे की मदद करें आपने सुना है सारी बातें कि भाई कह रहे हैं कि इस अदारे को चलाने के लिए हमारे मुखियर हजरा जो क्रिश्चन कम्यूनिटी के लोग हैं उनकी ज़रूरत है तो मैं माँ जी से रिक्वेस्ट करता हूँ माँ जी कुछ बोलेंगी आप माइक में माँ जी मुझे पूछते हुए थोड़ी सी हिचकिचाहट आ रही है कि मैं किस तरह आपसे पूछूं कि आप घर से अपने घर से यहाँ पीस होम तक कैसे हैं कुछ बता सकती हैं आप मैं कैली हूँ एक मेरा बेटा है वो पता नहीं में रहता है जहाँ काम करता है वहाँ एक तो मैं अकेली थी तो मैं इधर आई मेरे रिश्तेदार थे उनके पास आए तो वो मुझे छोड़ दी, मुझे पता नहीं था अदारे का तो किसी रिश्तेदार ने किसी आपके किसी बहन भाई ने कोई रही नहीं किया आपसे? नहीं, एक भाई था आपका? जी है। एक बेटा है, एक भाई तो बेटा बेटे के पास रहती थी ना तो वो भी बेटा शादीशुदा था जी उसके कितने बच्चे चार बच्चे वो मेके रहती है वो भी नहीं उसके पास है मैं अकेली थी मैं इधर आई तो मुझे यहाँ छोड़ के तो माँ जी यहाँ पर आपको सिस्टर जी की तरफ से कोई मसाइल कुछ कोई मसाइल नहीं मैं घर की तरह रहती वक़्त पे खाना मिलता है वक़्त पे कपड़ा मिलता है हर चीज़ कपड़े भी मैं यहाँ पाँ किसी कोई दुश्वारी नहीं माँ जी कौन से शहर से आई सियालकोट हाजी से। कौट सेट हाजीपुर लादी जी आप देख सकते हैं कि माँ जी एक सियालकोट से भी यहाँ पर आई हैं और मैंने सुना था कि सिस्टर बता रही थी कि दो लोग कुछ और भी हैं लेकिन वो जो है ना आईडी कार्ड लेने के लिए घर वापस गए हैं अपने इलाके में तो वो जब आएंगे क्योंकि यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम आती है कि आईडी कार्ड ज़रूरी है नेशनलिटी ज़रूरी है पाकिस्तान की कि कौन से शहर से क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे अदारे हैं जो आगे पता करते हैं कि ये कौन बंदा कहाँ से आया कहाँ से गया तो हमारे साथ एक और माजी मौजूद हैं मैं उनके पास जाऊँगा उनसे पूछूँगा कि आप कुछ माजी कुछ बोलेंगे आप माजी जी कहाँ से आई हैं आप से आए तो मैं चर्च चली मेरी ना ने मेरे बदतमीजी की लड़ाई झगड़ा किया तो मैं ते चली जैत निकाल दिया मेरा बेटा ड्यूटी से गया थे। <coughs> ते, जब आया मैं बताया दूसरे दिन जाके मैंने निकाल दिया तेरी बेगम ने ते, कैसे कर रखना क्या थोड़े दिन इधर मैं रह चर्च गई चली आ फजल के उतो पास्टर ने सिस्टर ना ने रब्ता कराया तो सिस्टर चर्च च इधर लेके आई ਅਸੀਂ 6 ਭੈਣ ਬਰਾ 3 ਭੈਣਾ ਦੇ ਨਬਾਏ ਇੱਕ ਮਹਿਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਭਾਈ ਤੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸਹੀਆਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਮੇਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਮਹੀਨਾ ਕੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੋ ਫੇਰ ਉਹ ਹਲ ਕਰਨਾ ਬੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਨਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਦਾ ਤਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਊ ਦਵੇ ਭਲਾਵੇ ਬਤਜੀ ਇਨ ਬਰਕਰ ਬੇਟੇ ਦਿਲ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅ ਚਾ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੇ ਖਰਚਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕਰਾਈ ਉਹਦੀ ਪਰਜਾਈ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਨਾਂ ਦੇ ਮਖਾਨ ਕੋਣ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਆਈ ਕਰਾਇ ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਪਾਸਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਸੂਤੇ ਆ ਮੀਆਂ ਗਿਰਵੀ ਗਿਰਵੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹ ਬੰਦਾ ਰਾਇਵੰਦ ਰਹਿਂਦਾਈ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਦਰ ਆ ਜਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਮੈਂ ਕبھی-ਕبھی ਆ ਜਾ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਬੇਟਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਫੇਰ ਉਹ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰੇਗੀ ਨੋ ਤੇ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਖਰੇ ਸਾਸ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚੱਲ ਲੰਮੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਖਣਗੇ ਹਰੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸਣ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਪਈ कारोबारे दारा वधावे पिलावे कामयाबी हो नाजरीन माँ तुझे सलाम ये जो लाइन है ये वाकई जिसने लिखी है कि माँ आप भी एक जगह पर रह रही है फिर भी कह रही पुत्रों का पुत्र माँ प्यो का माँ पे मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है माँ की अज्मत के लिए क्या माँ आप भी कह रही है कि मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए और उसको घर से निकाल दिया और मैं सिस्टर को सलाम करता हूँ कि जिन्होंने इस माँ को अपने पास रखा अभी मैं सिस्टर से भी आगे मजीद बात करूँगा क्योंकि तो मेरे पास अल्फाज नहीं है इनके साथ बात करने के लिए लेकिन मैं अपने जितने भी हमारे लोग देखने वाले वो ज़रूर सिस्टर जी का साथ दें और तो इनकी हेल्प करें तो आइए सिस्टर जी से बात करते हैं नाजरीन जिस तरह इस पीस होम के अंदर जो एक अजीम काम सिस्टर जी कर रही हैं मैं उनकी ज़रूरत को सलाम करता हूँ कि वो जी काम कर रही हैं क्योंकि जो बुज़ुर्ग घरों में लोग कहते हैं कि हमारे सर पे साया है अगर वो चले जाए तो कहते चला जाता है लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कि एक माँ तो उस बेटी बहू ने उसको घर से निकाल दिया तो वो माँ अब भी कह रही है कि मैं अगर चली गई तो मेरे बेटे घर में लड़ाई रहेगी मैं उस माँ की इजमल को सलाम करता हूँ तो से बात करते हैं कि ये किस तरह इन्होंने इस काम को शुरू किया सिस्टर जी पहले तो ये बताइएगा कि आप ए, कौन सी सिस्टर हैं फ्रांसिस या कौन से मेरा नाम सिस्टर रफाइला ताज है और मैं फ़्रांसिसकन तर्शरी सिस्टर से बिलोंग करती हूँ मरियाबाद की सिस्टर से वहाँ मैंने 18 साल अपनी खिदमत की है लेकिन अभी मैंने उनको रिज़ाइन कर दी इसलिए क्योंकि जो मेरा विज़न था वो वहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा था मुझे ना या जो मैं करना चाह रही थी वो मैं कर नहीं पा रही थी तो इस वजह से फिर मैंने उनको रिज़ाइन कर दिया था 2017 में फिर 2017 से लेके फिर मैं इसी स्ट्रगल करती रही करती रही कि ये क्योंकि ये मेरा जो विजन है बुज़ुर्गों की खिदमत करना ये तकरीबन 25 साल से है मेरी रोया थी ये एक कि मैं चाह रही थी कि लोग यूथ के लिए भी काम करते हैं ख़ाती के लिए भी काम किया जाता है बच्चों के लिए भी काम किया जाता है एजुकेशन पर काम किया जाता है लेकिन बुज़ुर्गों के लिए कोई भी नहीं सोचता कि जिन की वजह से हम दुनिया में होते हैं तो जब उनकी बारी आती है संभालने की तो तब उनको लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं होता तो ये मेरा एक पैशन है जिसके बगैर मैं रह नहीं सकती जिसको किए बगैर ना तो फिर 2021 में ये मैंने जनवरी से स्ट्रगल कोशिश की तो मेरे भाई या कज़न हैं उनके साथ मिल के आहिस्ता फिर हमने काफ़ी की उसके बाद फिर 2021 में 13 सितंबर को इसकी ओपनिंग थी जो बिशप सेबेस्टियन शॉ ने की थी जो कि आर्च डाइसिस लाहौर के आर्च बिशप हैं उन्होंने और अच्छा किसी अदारे ने अभी तक कोई ऐसा फाइनेंशियल कोई आपकी सपोर्ट नहीं की अभी तक जिसना कैथलिक वालों ने बिशप साहब ने यहाँ पर ओपनिंग भी की तो उन्होंने कुछ कहा हो कि आपको मंथली हम कुछ पे करेंगे कोई ऐसा मामला तो कोई नहीं है uh, नहीं फाइनेंशियली अभी तक मुझे किसी ने भी कोई सपोर्ट नहीं की मेरी फैमिली जो है ना वो मुझे सपोर्ट करती है और उस फैमिली की वजह से ही आज मैं खड़ी हूँ जो कि सब के लिए बड़ा सरप्राइज है कि पाकिस्तान में ऐसे इदारे का आगाज़ करना और वो भी किसी विदाउट फंडिंग के क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया और अगर अभी भी इधर किसी भी इदारे ने मुझे सपोर्ट नहीं किया है और ना अभी तक हमारे पास फंडिंग है हम सेल्फ सपोर्ट हैं मेरे साथ जो मेरे कज़न हैं मतलब के जो काम करें वो भी अपनी जॉब के करके फिर उसमें से हम अपना जो ना वो कितने मेंबर हैं आपके पास जो इस वक्त आपके पास रह रहे हैं बुजुर्ग मेरे पास अभी पाँच मेंबर है क्योंकि जगह ही इतनी है इतने लोगों की है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कोई अलग से बिल्डिंग बनाई जाए काफ़ी बड़ी बनाई जिसमें तकरीबन तो पचास साठ लोग के करीब लोग रखे जा सके लेकिन अभी जगह नहीं है इतनी क्योंकि ये घर जो बना हुआ है इसको मैं दोबारा से कुछ कर नहीं सकती इसके साथ जितना भी आपका मंथली जो अखराजात आ रहे हैं खाने के बिजली का बिल रेंट वो तकरीबन कितना आ जाता है मंथली मंथली तकरीबन कर करा के भी वो तकरीबन हम फिफ्टी तक पहुंच जाते हैं एक फैमिली है जो कि मुझे राशन की सूरत में मंथली वो मुझे राशन देते हैं तो मैं उनके लिए बहुत ही शुक्रगुजार उनका नाम बशारत भट्टी है और उनके कज़न इधर वो मंथली राशन जो है ना वो हमें दे के जाते हैं खुद घर आके और बहुत ही मतलब कि हमारा उसके साथ बहुत अच्छा जो है ना वो सर्कट जो है ना वो चल जाता फिर आ जा के हमारे पास बिजली के बिल गैस का पानी का ये तो उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट की है और वो राशन की सूरत में हर मंथ हमें राशन देते हैं तो मैं उनकी बहुत ही शुक्रगुजार गुज़ार हूँ और दुआ गो हूँ कि खुदांद उन्हें बहुत बरकत है लेकिन फाइनेशली जो है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है वो फिनेंशली स्ट्रॉग ना होने की वजह से मैं इनके लिए कुकिंग खुद करती हूँ उनकी वॉशिंग खुद करती हूँ सारे काम जो है ना वो मैं खुद करती हूँ सुबह आके फिर सारे काम उनके लिए मैं खुद करती हूँ उनकी मेडिसन अगर करनी हो वो मैं खुद करती हूँ क्योंकि मैंने मेडिकल की ट्रेनिंग भी की हुई है तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि उनको डॉक्टर के पास लेके जाने की। अच्छा ये कौन से ब्लॉक में आपका पीस होम है योहानाबाद के अंदर ये एच ब्लॉक में है एच ब्लॉक में हाँ गली नंबर दो है दो हाँ जी हाँ जी अच्छा जिस तरह आप कह रही हैं कि फिफ्टी थाउजेंड आपका पर मंथ चलता है राशन की अगर अमाउंट निकाल दी जाए तो रेंट और बिजली का बिल छिल डाल के तकरीबन तीस थाउजेंड के करीब आपको मंथली चार्ज करना पड़ता है तीस पैंतीस के करीब चला जाता है।, है हाँ जी अगर कोई लोग मुख्य रजा जो देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम आपका नंबर भी साथ चल रहा है तो अगर कोई आपके साथ अटैचमेंट हो जाए किसी की वो कहें कि या मंथली आपका जो किराया वो पे करते रहेंगे तो इस तरह हो सकता है हाँ जी क्यों नहीं अगर कोई इस तरह हो सकता है तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार गुजार हूँ उन लोगों की भी जो कि ऐसा करना चाह रहे हैं क्योंकि मैं अभी तक क्योंकि फ़ंडिंग नहीं है अगर फंडिंग हो तो फिर तो कुछ हो सकता है और इस वजह से क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अपनी जगह लेके अपनी एक बिल्डिंग बनाई जाए पीस होम के लिए जिसमें बहुत सारे लोगों को रखा जा सके क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं जो हमें अलग कमरा चाहिए सेपरेट रूम चाहिए लेकिन वो है नहीं है तो इस वजह से फिर वो मुश्किल हो जाता है जिस तरह का आपका ख्वाब है कि अलग से बिल्डिंग अपनी तैयार की जाए और अपने लिए अलग से हर लोगों के लिए जिस तरह बाहरी कंट्रीज़ में होते हैं वो वहाँ पर बाहर की तो हुकूमतें कर रही हैं लेकिन यहाँ पर तो आपके साथ कोई अदारे अटैच होने चाहिए जो इस तरह के काम करने में सबसे आगे बढ़ कर आपका साथ दें और आपके इस ख्वाब को पूरा करें ऐसे इदारों को आप जानती हैं कोई ऐसे काम करने के लिए जो आगे आ सकें फ़िलहाल तो मैंने अब तक किसी को भी नहीं मैं जानती भी नहीं हूँ लेकिन अप्रोच एक दो की लेकिन वो बीच में से अपना आपको पता है वो चाहते हैं कि हमें भी बीच में से दिया जाए लेकिन फिर फिर उस फिर आगे मजीद कोई मैं फिर बात नहीं करती उनके साथ लेकिन अगर कोई इस तरह से कोई करना चाहता है कोई फंडिंग में हेल्प करना चाहता अच्छा, है अच्छा कोई ऐसे आपके पास कोई आए या ऐसे लोग जो बुज़ुर्ग जो घरों में कुछ लोग कहते हैं कि जी हम पे कर दें तो आप उसको इनको रख लें ऐसे भी लोग आए एक दो लोगों ने पूछा है वो आए भी लेकिन वो कहते हैं कि सेपरेट रूम उनके लिए चाहिए तो सेपरेट रूम नहीं है मेरे पास ना जिस वजह से फिर वो कहते हैं अच्छा जरा जब होगा तो फिर हमें बताना लेकिन इधर जो मैं उनको एटमोसफियर देती हूँ ना वो घर जैसा मतलब कि अदारे जैसा नहीं है कि अब ये नहीं करना अभी वो नहीं करना मतलब कि उनको फील नहीं होता कि हम किसी अदारे में आए हुए हैं ना हाँ जी जैसा मैंने देखा कि यहाँ पे एक बुज़ुर्ग हैं जिनके बेटा जो छोड़ गया है तो वापस ही आया उनको मिलने के लिए तो कोई कभी आए ऐसे कोई बुज़ुर्ग ऐसे ही कि जो बाप को छोड़ के चले जाए जा, माँ को छोड़ के चले जाए और वापस ही नहीं आते कोई तो ऐसे लोग आए एक ऐसा हुआ था तो आए थे वो कैटिकस्ट था लेकिन उसका बेटा आया था उसका बेटा वो कहता मेरा बेटा जो ना वो बीमार रहता है कुछ कर नहीं सकता वो तो रेंट पे रहता है तो फिर इनकी लड़ाई होती तो फिर मैंने यही डिसाइड किया कि क्यों ना मैं किसी ऐसे इदारे में चला जाऊँ उन्होंने भी किसी से पूछा था मेरे इदारे का उन्होंने बताया फिर वो उसी रेफरेंस से फिर आए थे तो वो हमारे पास रह रहे थे अच्छा अगर जैसा आप कह रही कि अगर आप पाँच अभी मेंबर हैं तो अगर मजीद कोई आते हैं तो आप इसी घर के अंदर उस उनको एडजस्ट कर लेंगी बस इस घर में एडजस्ट बस सात लोग एडजस्ट हो सकते आसानी के साथ मतलब उससे ज़्यादा नहीं उससे ज़्यादा नहीं रख सकते मतलब जगह ही नहीं है सात लोगों की जगह सात लोग ईजी आ सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं सस्टर जी जिस तरह आप अपने कैथलिक मिनिस्ट्री में भी आप रही हैं वहाँ पर भी खुदा खदमत करती रही हैं और अब जब आपने वहाँ से छोड़ कर अपनी ही खिदमत शुरू कर दी है तो ये बड़ा अजीम काम है तो इस हवाले से आप हमारे क्रिश्चन कम्यूनिटी के जो लोग हैं उनको एक पैगाम देना चाह रही हैं कि पीस होम के साथ किस तरह वो अटैच हो सकते हैं आप सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार गुज़ार हूँ जो मेरा विजन था जो खुदा यसुम सी कहता है कि इन छोटों में से किसी एक के साथ किया तो मेरे ही साथ किया तो ये अगर मेरी क्रिश्चियन कम्युनिटी से दरख्वास्त है रिक्वेस्ट है कि जो मुहैर अज़रात ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा मतलब के कमाल लेते या नहीं करने अगर उस अपने उस खुदा के दिए में से अगर इस पीस होम को अगर वो सपोर्ट करते हैं तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि कतरा कतरा से दरिया भरा जाता है अगर उनके थोड़े से भी बहुत कुछ हो सकता है अगर वो मंथली कुछ सपोर्ट करते हैं तो मैं उनके शुक्र गुजार हूँ और हमेशा उनके लिए दुआ करूँ क्योंकि ये जो काम है ये मिशनरी काम है ये कोई एन जी ओ नहीं है ये कोई मिनिस्ट्री नहीं है जिसमें बिज़नेस किया जाए या इसमें हाँ अभी उसको सैलरी देनी है उसको देनी है ये है ये ऐसा नहीं है ये जो भी है ये बस इन बुज़ुर्गों के लिए है इनकी अच्छी सेहत के लिए इनकी ज़िंदगी के लिए अगर जो चार दिन की इनकी ज़िंदगी है कम से कम वो सुकून के साथ जो ना वो इसको गुजार सके तो यही मेरा विजन है यही मेरा पैशन है और मुझे कुछ नहीं किसी से भी चाहिए अगर कोई करना चाहता है तो इस इदारे के लिए है कि अगर वो थोड़ा करते हैं ज़्यादा करते हैं उनकी मेहरबानी है कि वो किस तरह से करते हैं और मेरे साथ जो मेरे भाई हैं वो साथ करते हैं काम ये घर भी उन्हीं का है और उनकी मैं हमेशा शुक्रगुज़ार गुज़ार हूँ कि जब नहीं है तो मुश्किल था तो फिर ये वाला जो घर है वो मैं उनका यूज़ कर रही वो मेरे साथ ही काम भी करते हैं तो अभी वो भी आपसे बात करेंगे आ, मैं नेशनल न्यूज़ का बहुत ही शुक्रगुजार हूं हूँ क्योंकि मैंने जब भी कभी इनको कहा है तो ये उसी टाइम आते हैं बग़ैर किसी रिफ्यूज़ किए या आर्ग्यूमेंट किए ख़ास पर साजद गौरी साहब का तारक भाई का और चटा साहब का तो आशर चट्ठा साहब का क्योंकि ये तीनों भाई जो है ना ये जब भी मैंने इनको कहा ये फ़ौर मेरे लिए हाज़र होते हैं और आके इन्होंने मेरी पहले भी इंटरव्यू ले कर इन्होंने काफ़ी सपोर्ट मतलब कि कोशिश की है इस इदारे को लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन दें ताकि लोग कुछ सपोर्ट करें तो अभी भी मैं साजिद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो आए हैं इतनी दोपहर में और उन्होंने अपना टाइम अपना कीमती वक्त निकाला है हमारे लिए तो मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ ख़ुदा से दुआ गो हूँ कि खुदा इस नेशनल न्यूज़ चैनल को और ज़्यादा तरक्की दे और इनके ज़रिए से हमारे पीस होम को लोग सपोर्ट करें और हम इसको ले कर आगे से ज़्यादा से ज़्यादा इसको तरक्की दे सकें और काम कर सकें अपने बुज़ुर्गों के लिए जिनकी वजह से हम दुनिया में हैं तो नेशनल न्यूज़ का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया